नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी जयपुर में हूँ और ये जयपुर का अंबेडकर सर्किल जहाँ से ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, और आज यहाँ से हम बिरला मंदिर तक देखने वाले हैं। अंबेडकर सर्किल से बिरला मंदिर पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से यदि इधर निकलते हैं तो सामने एक बड़ा आप देखें भारत जोड़ो सेतु बना दिया है, जो आपको श्याम नगर सिविल लाइन और वैशाली और अजमेर रोड को जोड़ता है। और यहाँ इधर देखेंगे तो ये LIC का ऑफिस है इधर, और उसी के साथ में ED का ऑफिस है, और ये सामने राजस्थान हाई कोर्ट है। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है राजस्थान हाई कोर्ट की, और सामने ये अंबेडकर सर्किल, इस पे लेफ्ट और राइट में जनपद है। यदि यहाँ से राइट जाते हैं तो सामने ही विधानसभा है, और लेफ्ट में जाते हैं तो आगे स्टेचू सर्किल आता है, और हमें सीधा निकलना है भवानी सिंह रोड पे बिरला मंदिर तक। आइए आगे बढ़ते हैं। और अंबेडकर सर्किल से सीधा निकलते ही भवानी सिंह रोड के ऊपर ये हमारे लेफ्ट साइड में राजस्थान पोलो क्लब, और इधर सामने देखेंगे तो ये SMS स्टेडियम है। आइए और आगे चलते हैं। ये मैं यदि आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये जो लाइट दिखाई दे रही है ये SMS स्टेडियम की लाइट, और ये भवानी सिंह रोड, और हमारे ये साइड में सेंट्रल पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क जयपुर का सेंट्रल पार्क। और ये सीधा ये बड़ा हाईवे एयरपोर्ट को जाता है ये हाईवे सीधा सीधा, आगे से हमें लेफ्ट में घूमना होता है। आइए और आगे चलते हैं। और ये थोड़ा आगे आते ही रामबाग पैलेस, एक लग्जरी होटल जिसमें स्टे का आपको कम से कम 50,000 से आपको एक रात का देना होता है यहाँ पर, काफ़ी लग्जरी है ये जयपुर का और भारत का भी ये लग्जरी होटल में से है। और ये इसी रोड के ऊपर, और सामने आप देखेंगे तो ये हवाई अड्डा सांगानेर और SMS हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। और ये रामबाग पैलेस का एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। पीछे जो आपने देखा वो स्टाफ के लिए था, और ये द ताज के द्वारा मेंटेन हो रहा है रामबाग पैलेस। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर रामबाग पैलेस का दीवार इधर, और ये सामने यहाँ सिग्नल है, और ये सामने SS जैन सुबोध PG कॉलेज है, और ये सिग्नल यहाँ पर, और सामने ये बड़े बड़े ब्रांड, और ये साइड में स्टेडियम, और ये रामबाग सर्किल। आइए और सीधा निकलते हैं, इससे हमें बिरला मंदिर तक जाना है। और यहाँ से मैं बता दूँ, यदि यहाँ से जैसे ये गाड़ी जा रही है हम इधर से लेफ्ट में जाते हैं तो SMS हॉस्पिटल, और आगे फिर MI रोड आ जाता है, और यहाँ से यदि राइट जाते हैं तो ये टोंक रोड है। हमें सीधा निकलना है इस रोड पे, इस सिग्नल से सीधा निकलना है। आइए आगे चलते हैं। और ये रामबाग सर्किल, रामबाग से सीधा निकलते हैं तो ये आगे का व्यू, ये बड़े बड़े टावर यहाँ पर इसी रोड के ऊपर। रिद्धिराज बंगलो, और ये आगे का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ
सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय, ये इसका बिल्डिंग है। और ये यहाँ का व्यू है, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ का SDMH संतोख बा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये दुर्लभ जी के नाम से जो फेमस है उस हॉस्पिटल का सामने से व्यू। और ये यहाँ एंट्री पॉइंट, और ये सामने का हाईवे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल ये यहाँ का है, SDMH संतोख बा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल। आइए आगे चलते हैं। और ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण, दुर्लभ जी के बिल्कुल साथ में। और सामने एक बड़ा सा बोर्ड है जिस पे यदि राइट में जाते हैं हवाई अड्डा है, और सीधा जाते हैं तो जवाहर नगर है। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ तक भवानी सिंह रोड, जहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ से अंबेडकर चौक से यहाँ तक ये भवानी सिंह रोड है। और ये सामने आपके JDA का ऑफिस, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये झंडा हमारा ऊंचा रहे सदा। और ये JDA का इस सिग्नल के ऊपर बड़ा सा एक ऑफिस, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये एक बड़ा सा सिग्नल जिस पे ये सामने ऊपर एक पुराना राजा के टाइम का महल, और उसके अंदर एक मंदिर जो साल में एक बार खुलता है। और इसके साथ ये यहाँ का फेमस, जयपुर का फेमस बिरला मंदिर, ये जयपुर का बिरला मंदिर यहाँ पर आपके सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।